फ्रेंड्स, वैजेंट्रीज एजुकेशन के इस चैनल में मैं प्रणव मेहताब का फिर से स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे हैं क्लास गुजराती इंग्लिश और हिंदी तीनों मीडियम के विद्यार्थियों के लिए ये उपयोगी है। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास टेन की बात कर रहे हैं तो उसमें चैप्टर नंबर 4 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन गुजराती मीडियम में या हिंदी मीडियम में बोले तो द्विघात समीकरण चैप्टर जो है उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करें तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं, क्योंकि इलस्ट्रेशन नंबर 1 में 2 क्वेश्चन थे वो हमारे वीडियो नंबर 1 और 2 में है। अभी एक वीडियो नंबर 3 जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज नंबर 4.1 का 1 यहाँ पे क्वेश्चन दिया है। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे पहले तो ये नंबर को मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। यहाँ पे बोला है एरिया, एरिया का एक फॉर्मूला होता है वो हमें पता होना चाहिए। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो गुजराती और हिंदी मीडियम वाले भी अपनी बुक में से क्वेश्चन को 3 से 4 बार पढ़ लें, क्योंकि यहाँ पे हमें पता होना चाहिए रेक्टेंगुलर क्या होता है, रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है। प्लॉट मतलब जमीन का एक टुकड़ा होता है जो रेक्टेंगुलर है, मतलब लंबी चौरस है, मतलब आयताकार का है। हिंदी में बोले तो आयताकार, उसमें एक लेंथ होती है, मतलब 2 लेंथ होती है और 2 ब्रेथ होती है। ब्रेथ मतलब चौड़ाई और एल मतलब लंबाई। तो हम यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास वेरिएबल 2 होते हैं, लेकिन वो 2 वेरिएबल को हमें एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करके, मतलब 2 वेरिएबल को जो रिलेशन है उस हिसाब से हमें एक ही वेरिएबल को यहाँ पे मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लेंथ और ब्रेथ में नॉर्मली जो मैं ज्यादातर क्या करता हूँ कि जो भी छोटा वेरिएबल होता है उसको मैं मानता हूँ। तो मैं नॉर्मली हमारे पास ब्रेथ जो होता है वो छोटा होता है, इसलिए मैं ब्रेथ को मतलब चौड़ाई को मतलब पौड़ाई को मैं मानता हूं। तो यहां पे मैं मान लेता हूं लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज एक्स। इफ द ब्रेथ इज एक्स देन वी हैव द रिलेशन, हमारे पास रिलेशन दिया एरिया, एरिया दिया और एरिया मतलब एक फॉर्मूला है और फॉर्मूला में एक रिलेशन होता है। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर, एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द प्लॉट एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। एक तो ये रिलेशन है हमारे पास, तो वो हमको दिया 528 मीटर स्क्वायर। दूसरा दिया है यहाँ पे द लेंथ एंड द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ये रिलेशन सिंपल सा यहाँ पे हमें पता चल रहा है। तो और ये एरिया तो यहाँ पे दिए दिया है तो वो हम बाद में देख लेते हैं। यहाँ पे हम पहले देखते हैं ये हमारे पास सिचुएशन है, रिलेशन है, एक दूसरा सिचुएशन और रिलेशन हम देख लेते हैं। The length of the plot in meters, the length of the plot in meters, मतलब length को हम अभी length की बात करें तो length, length of the plot in meters is 1 more than twice its breadth, breadth को हमने ले लेते breadth, उसका हमें क्या करना है उल्टे से हम देखें। इंग्लिश मीडियम की बुक में देखो, इंग्लिश के वर्ड्स में देखो तो उल्टे से देखना पड़ेगा। breadth का twice मतलब दुगना करना है, और उसके बाद ये जो पूरा बन रहा है उसमें से 1 मोर करना है, मतलब +1 करना है, तब जाके हमें लेंथ ऑफ द प्लॉट मिलेगा। तो लेंथ का हमारे पास वेरिएबल फॉर्म में एक सब्स्टिट्यूट मिल जाएगा 2, ब्रेथ का हो गया हमारे पास x, ब्रेथ हमने माना था x, ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू x मीटर, तो 2x और प्लस यहाँ पे हो गया 1, इतना मीटर से। तो ये हो गया हमारा सेकंड सिचुएशन के हिसाब से लेंथ मिल गया हमें।
तो फर्स्ट सिचुएशन को अगेन हम लेते हैं, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रिथ। तो लेंथ हमारे पास हो गया 2x प्लस 1 मीटर इंटू ब्रिथ हो गया हमारे पास x मीटर। तो हमारे पास एरिया हो गया हमारे पास एरिया 5 28 मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर ये सब तो हमारे यूनिट्स हैं। तो यहाँ पे 528 मतलब यहाँ पे इन दोनों का रिलेशन देखें तो 528 इक्वल टू 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर एंड द 1 इंटू एक्स इक्वल टू 528। अभी मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाऊँ तो पहले मैं x 2x स्क्वायर को लिख देता हूँ या फिर उसको इधर लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। x को इधर लाऊंगा तो माइनस एक्स हो जाएगा और ये 528 तो इधर ही है ऑलरेडी प्लस 520 इक्वल टू जीरो। अभी यहाँ पे सबका सभी की साइन पहली साइन जो माइनस है तो इसका भी सॉल्यूशन निकल सकता है, नहीं तो नॉर्मली हम क्या करेंगे सबको माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे या माइनस वन से डिवाइड कर देंगे। तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस प्लस माइनस 528 इक्वल टू जीरो। ये आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इक्वेशन में मिल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया सॉरी। तो अभी आप कोई भी मेथड से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो और आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू मिल जाएगी मतलब आपको उसका ब्रिज मिल जाएगा और ब्रिज अगर मिल जाएगा तो आपकी सिचुएशन नंबर 2 का जो फॉर्मूला मिला था उसमें आप वो ब्रिज की वैल्यू मतलब x की वैल्यू रख दोगे तो आपको लेंथ भी मिल जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको पेरीमीटर नहीं पूछा है लेकिन अगर पेरीमीटर पूछा भी है तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रिथ, क्योंकि दो बार लेंथ है और दो बार ब्रिथ है, सभी का टोटल कर दो आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। तो यहाँ पे लेंथ का जो आंसर आएगा वो रख दो, यहाँ पे ब्रिथ का जो आंसर आएगा वो रख दो तो आपको पेरीमीटर पूछा होगा तो पेरीमीटर भी मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, अगर नहीं आता है तो आपको मुझे कमेंट करना है ताकि मैं बाकी का सॉल्यूशन जो है उसका अलग से वीडियो बना के आपको बता